अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने पिछले महीने अधिकांश निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 4,69,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दी है, लेकिन कम से कम 1.7 मिलियन टन बंदरगाहों पर पड़ा है और मानसून की बारिश से इसको नुकसान भी हो सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जिन शिपमेंट की अनुमति दी गई है उन्हें मुख्य रूप से बांग्लादेश, फिलीपींस, तंजानिया और मलेशिया में ले जाया गया है। अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंध ने मई में भारतीय गेहूं के निर्यात को 1.13 मिलियन टन तक कम कर दिया, जो कि अप्रैल में रिकॉर्ड 1.46 मिलियन टन था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने यह बैन इसलिए लगाया था क्योंकि इस बार चिलचिलाती गर्मी से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है और पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह सकता है। इसी कारण गेहूं के दाम ऊंचाई पर देखने को मिले थे। उन शिपमेंट के लिए अपवादों की अनुमति दी गई थी जो पहले से जारी किए गए क्रेडिट के पत्रों द्वारा समर्थित थे और उन देशों के लिए जिन्होंने अपनी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध किया था। भारत से कुछ गेहूं के जाने के बाद भी विभिन्न बंदरगाहों पर कम से कम 1.7 मिलियन टन गेहूं है, जिसका मानसून की बारिश से खराब होने का खतरा है। प्रतिबंध से पहले निर्यातकों ने असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर गेहूं पहुंचा दिया था, क्योंकि तब फसल के मजबूत रहने की उम्मीद थी और सरकार उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण काला सागर से आपूर्ति नहीं होने के कारण ज्यादा डिमांड और कम आपूर्ति से पैदा हुए अंतर को भरने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि नई दिल्ली इस साल 8 मिलियन से 10 मिलियन टन या इससे भी अधिक के शिपमेंट को अधिकृत करेगी, जबकि पिछले साल 7.2 मिलियन टन थी। कुछ डीलरों का मानना है कि कांडला और मुंद्रा पोर्टों पर सबसे ज्यादा गेहूं का स्टॉक है। डीलरों के मुताबिक कांडला और मुंद्रा पोर्टों का दोनों का गेहूं का स्टॉक मिलाकर 1.3 मिलियन टन हो सकता है। उनके अनुसार सरकार को तुरंत निर्यात परमिट जारी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बंदरगाहों पर गेहूं खुले में है और आसानी से मानसून की बारिश की चपेट में आ सकता है। भारत में मानसून के दौरान जून से सितंबर तक भारी वर्षा होती है। डीलरों ने आगे कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अगर बारिश से स्टॉक खराब हो जाता है तो इससे भी कोई फायदा नहीं होता। डीलरों के अनुसार गेहूं को बंदरगाहों से बाहर और शहरों में स्थानीय खपत के लिए ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि व्यापारियों को लोडिंग और परिवहन शुल्क पर अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती। उनका कहना है कि सरकार को सरकारी सौदों के लिए बंदरगाहों पर पड़े गेहूं के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। गेहूं की कमी का सामना कर रहे कई देशों से भारत को 1.5 मिलियन टन से अधिक गेहूं की आपूर्ति करने के अनुरोध प्राप्त भी हुए हैं। मार्केट टाइम्स टीवी ने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से गेहूं के ऊपर बातचीत की और उनका गेहूं पर कहना है कि भारत की गेहूं में पोजीशन कंफर्ट जोन में रही है। ऐसा नहीं था कि भारत में गेहूं की किल्लत देखने को मिली हो, लेकिन जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चालू हुई, सबकी नजरें भारतीय गेहूं के निर्यात पर ही टिकी थी। भारत ने खुले हाथ से गेहूं का निर्यात भी किया, लेकिन फिर जब मौसम में बदलाव आया और हीट वेव की स्थिति पैदा हुई, इसका असर गेहूं के उत्पादन पर भी देखने को मिला और गेहूं के उत्पादन अनुमान में कटौती भी की गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं का निर्यात रोकने का कदम उठाया था, जिससे भारत में गेहूं की सप्लाई बराबर बनी रहे। लेकिन भारत सरकार ने साथ में ये भी कहा था कि जिन देशों को गेहूं की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, भारत सरकार उनको निर्यात भी जारी रखेगी। सरकार ने यह कदम मानवीय आधार पर उठाया है। भारत सरकार के इस कदम से विश्व भर में भारत की अहमियत भी बढ़ेगी।
अजय केडिया ने मार्केट एमसीवी के माध्यम से एक इंटरव्यू के दौरान पहले भी कहा था कि गेहूं की कीमतें 2100 से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगी, तो वहीं ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए 2600 से ऊपर भी नहीं जाएगा, और ठीक वैसा होता दिखाई भी दिया। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।